राम राम किसान भाइयों, आप देख रहे हैं फार्मर द जर्नलिस्ट। आज श्रावस्ती से मैं आपके साथ समर चौधरी। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कि जो लहसुन की खेती होती है उसे आप किस प्रकार से कर सकते हैं और आपको उसको लगाने से कितना मुनाफा होगा, तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। राम राम किसान भाइयों, आप सब कैसे हैं? आशा है कि आप सभी कुशल मंगल से होंगे। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे लहसुन की उन्नत खेती की। दरअसल आप सभी को ये पता है कि जो लहसुन की उन्नत खेती की जाती है वो आम तौर पर पूरे भारत में अक्टूबर से नवंबर का महीना सबसे उत्तम माना जाता है। हालांकि कई किसान अक्टूबर से ही शुरुआत कर देते हैं पहले हफ्ते से लहसुन की बुआई के, लेकिन कई किसान ऐसे भी हैं जो नवंबर के अंतिम सप्ताह तक बुआई करते हैं, लेकिन सबसे अच्छी बुआई जो होती है वो नवंबर के पहले सप्ताह तक ही माना जाता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लहसुन की बुआई करने के लिए आपको खेतों को कैसे तैयार करना होगा। किसान भाइयों, आपको एक बीघे के बारे में आज बताएंगे। तो सबसे पहले आप एक बीघे जो खेत आपका है उसकी दो बार रोटावेटर से अच्छी तरीके से जुताई करा दें, जिसके बाद जब मिट्टी भुरभुरी हो जाए तो फिर आपको लहसुन की बुआई के लिए एक बीघे में जितनी आप चाहें, छोटी या बड़ी वो अपने आप के ऊपर निर्भर करता है, उस हिसाब से आपको क्यारियाँ बनानी होंगी। क्यारियाँ इसलिए बनाई जाती है ताकि सिंचाई करने में आसानी रहे। इसके बाद में हम बात करेंगे कि लहसुन की जो बीज होती है वो कौन सा आप ले सकते हैं। हालांकि लहसुन की कई किस्में आती हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे यमुना सफ़ेद वन की। यमुना सफ़ेद वन लहसुन की कलियों को आपको तोड़ लेना है, जिसके बाद आपको हाथों से रोपाई करनी है, यानी कि बीज को जो कलियां होती हैं उसको बोना है। जो कलियों से दूसरे कली की दूरी होती है वो 7 से 8 सेंटीमीटर आपको रखना है, क्योंकि तभी जो लहसुन का पौधा है उसका व्यास होगा। इसके बाद जब आप पूरे एक बीघे में इसकी बुआई कर दें तो सिंचाई की हम बात कर लें। अगर आपके खेतों में नमी अच्छी है तो आपको एक हफ्ते के बाद सिंचाई करनी है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके खेतों में नमी कम है तो आपको सिंचाई तुरंत करनी होगी। हालांकि सिंचाई आपको हल्की करनी है। इसके बाद आपको सिंचाई तब तक करनी होगी जब तक आप इसे इसकी कटाई नहीं कर लेते, यानी कि इसकी खुदाई नहीं कर लेते। ये आपको किस तरीके से सिंचाई करनी है ये भी आपको बता दें। दरअसल आपको देखते रहना है कि जब आपकी जो ज़मीन है जहाँ पे आपने बुआई की है वो सूखने लगी है, तो आप हल्की सिंचाई कर दें। ये सिंचाई आपको तब तक करनी होगी जब तक आप लहसुन की खुदाई नहीं करते हैं। अब हम बात कर लेंगे कि लहसुन की खुदाई आपको कब करनी है। दरअसल किसान भाइयों, जब लहसुन की फसल की खुदाई तब करनी है जब आपको लगे कि जो पत्तियाँ हैं उनका रंग पीला पड़ना शुरू हो गया है और वो गिरने लगी हैं, तब आप लहसुन की खुदाई कर सकते हैं, जिसके बाद आपको 7 दिनों तक उसे छांव में रखना है और इसके बाद कंदों से पत्तियों को 2.5 सेंटीमीटर छोड़कर काट देना है। इसके बाद आप उसको सुरक्षित रख सकते हैं। हम आपको किसान भाइयों बता देते हैं कि आपकी जो पैदावार है वो कितनी होगी। हालांकि जो पैदावार होती है वो भी आपके ऊपर निर्भर करती है, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि कई किसान भाई समय से पानी यानी कि सिंचाई नहीं कर पाते हैं तो वो कम ज़्यादा भी हो जाता है। लेकिन अगर एक बीघे की बात की जाए तो करीब 7 से 8 क्विंटल लहसुन का उत्पादन होता है, तो ये काफ़ी अच्छी फसल है और आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा देगा। तो किसान भाइयों, आज हमने आपको बताया लहसुन की उन्नत खेती के बारे में। अगर आपको किसान भाइयों ये वीडियो अच्छा लगा हो और हमारे चैनल पर आप नए हों तो प्लीज़ आप हमारे फार्मर द जर्नलिस्ट चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।